इनके साथ पहली मुलाकात चूलो आसमान दंतेवाड़ा में हुआ था और उसके बाद से अभी तक मुलाकात हो ही रहा है। आगे चलेंगे, कहीं नालंदा परिसर घूमेंगे। ओपी चौधरी सर ने बनवाया है और हम लोग को ओपी चौधरी सर के स्टूडेंट भी है। एकदम एक नंबर है गाइस, वापस से एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज इवनिंग का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं महादेव घाट अभी घूमने के लिए दोस्त लोग के साथ। और मतलब हम लोग स्कूल टाइम में एक साथ मिला करते थे, अभी तो बहुत दिन हो गया, हम लोग को 5-7 साल ऐसा हो गया, तो खूब दिनों के बाद आज मिले हैं। और अभी अपने साथ है हरदेव मरकाम, साथ में स्कूल फ्रेंड। अभी जगदलपुर में रहते हैं ना, तो वहाँ कॉलेज वगैरह इनका हो रहा है, बाकी पीजी कॉलेज में। और बाकी लोग अपना मामा जी है, उनको लेने जाएंगे अभी, उसके बाद चलेंगे अपना डॉक्टर समीर से मिलने, वो मिलेगा हम लोग को महादेव घाट जाने वाला चौक पे। और आगे मिलेंगे आपको सारे लोग एक साथ, तो चलिए गाइस आगे जाने के बाद मिलते हैं। और वहाँ पे मेला कुछ हो रहा है ऐसा सुनने में आया है, तो घूमने के लिए अच्छा रहता है शाम का टाइम में, तो जा रहे हैं वहाँ पे। एक मस्त सा लक्ष्मण झूला है, उसको भी दिखा देंगे, और मंदिर वगैरह है, बहुत अच्छा है घूमने के लिए, गार्डन भी है छोटा सा। गाइस हम लोग ना महादेव घाट में कुछ हो रहा था तो उधर चले गए थे, तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ था कि यहाँ आज अनसेफ है बोल के हम लोग वहाँ से निकल के आ गए वापस। और अभी हम लोग अनुपम गार्डन में हैं, बैठे हुए हो गया करके वहाँ से बात क्या। हाँ, कोरोना का भी अभी कौन सा लहर आ गया पता नहीं, 7वां 8वां भी हो सकता है, और इतना ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो यहाँ हम लोग का कोई काम नहीं, हम लोग तो घूमने फिरने आए थे, बाकी फ्री रहता है उस टाइम घूम लेंगे बोल के आ गए। बंदे लोग पूरा चाय पी रहे हैं, और सभी सुकमा के बंदे लोग है ना, सुकमा वासी। छोटे रहते समय एकदम एक साथ ऐसे स्कूल में रहते थे, और आज एक ही रूम में। ये मरकाम के साथ तो हम लोग 6वीं से लेकर के 12वीं तक, मतलब 6वीं से 8वीं तक एक स्कूल में साथ में पढ़े, उसके बाद 11वीं 12वीं, हाँ 9वीं 10वीं में टोंगपाल चले गए, वहाँ भी साथ में, फिर 11वीं 12वीं हो गया उधर भी साथ में। बाद में धीरे से हम लोग का कोचिंग अलग हो गया, फिर कॉलेज का वगैरह सब अलग अलग हो गया। ये तो है ही है अपने साथ में डॉक्टर समीर नाग, जब तक है जान, हाँ जब तक है जान तब तक है शान। क्या कहा, सुकमा का। इनके साथ पहली मुलाकात चूलो आसमान दंतेवाड़ा में हुआ था, और उसके बाद से अभी तक मुलाकात हो ही रहा है। और ये मामा जी तो इनको सुकमा में ही मिले थे, जब कोचिंग के प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय, नीट की तैयारी कर रहे थे उस समय। अभी तो साथ में ही है सभी लोग, अच्छा है। बाकी आज आसपास देखते हैं इधर घूमने फिरने के लायक, अभी भी यहाँ पे रिनोवेट हो रहा है ना, आगे चलेंगे कहीं नालंदा परिसर घूमेंगे, ओपी चौधरी सर ने बनवाया है और हम लोग को ओपी चौधरी सर के स्टूडेंट भी है, तो चलते हैं उधर भी देखेंगे। कैसा था भक्त स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया, आज नहीं हुआ किंतु पंथ पर चरण चिन्ह अंकित है, मन के नालंदा परिसर में आ गए। यहाँ पे मस्त एकदम प्रदर्शनी मेला टाइप का लगा हुआ है, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने विष्णुदेव साय जैसे लोगों का सारा मतलब यहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी हम लोग उसी का देख रहे हैं। यहाँ पे नालंदा परिसर में बढ़िया सा है जगह, और लाइब्रेरी के अंदर में घुसने का तो अलाउ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ लगा दिए तो सभी को घुसने का अलाउ है, शायद देखते हैं, आप लोग को भी दिखा देते हैं। मामा चुट चु ये देखो, यहाँ पे मिसाइल मैन पूरा लगा हुआ है एकदम से, आर्मी वाला पूरा थीम है इसमें, एकदम एक नंबर। और इधर में मोदी की गारंटी वाला चल रहा है मस्त एकदम से, मोदी की गारंटी। यहाँ UPI पेमेंट से लेकर के भारत नेट, ई गवर्नेंस, डिजिटल डिजी लॉकर से लेकर के सारा चीज़ को प्रमोट किया है। देखो क्या क्या अच्छे अच्छे विचार लिखा हुआ है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भाई बीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, या भी सही वह भी सही, बढ़िया बढ़िया से सुविचार लिखा गया है, ऑटोग्राफ्स लिखा गया है, थॉट्स है यहाँ सभी के। लोग आए हैं यहाँ पे बड़े खूबसूरती का देख रहे हैं एकदम मस्त, और क्या क्या है यहाँ योजनाएँ चल रही है क्या है वो सारा चीज़, यहाँ भी कुछ इस तरह की सजा है मस्त। अच्छा लग रहा है देख के, अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा, यहाँ पर चलचित्र के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ वीडियोस के माध्यम से दिखाया है, फोटोज के माध्यम से दिखाया गया है, बहुत सारा चीजें हैं।
देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कितना हद तक पहल हो रही है क्या है हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है। ये मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की सारे जितने भी मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वही सारा चीज़ होगा, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगा, तो हम लोग कौन सा एरिया का कुछ बता नहीं सकते। कैसे समीर अंदर नहीं आना, देखना नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? बिल्कुल। इधर मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। मैं कविता भी करता। ये देखो मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। क्या पत्रकार? स्वच्छ भारत अभियान का ये पूरा घटना ऐसी हो गई जिसमें मुझे, और इधर एक टीवी चल रहा है मस्त, सशक्त भारत रणनीति कूटनीति राष्ट्र की प्रगति, इसमें स्वच्छ भारत में छत्तीसगढ़ के हाईलाइट किया है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा तो रायपुर में रहता है। देख रहे हो अलग अलग राज्य हैं और भी दूसरा राज्य, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ में ये लगाया ना, तो उसी को हाईलाइट किया है। इधर कौन सा युवा शक्ति? प्रदर्शनी लगा है पीएम किसान योजना के बारे में, जितने भी मतलब किसान लोग के लिए जो भी बेनिफिट मिल रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, तो उसी सारा चीज़ का यहाँ पूरा ब्यौरा मेंशन किया है। इधर देखो पीछे में अभी हम लोग को जाने का समय हो गया है, अभी बस फोटो सेशन हो रहा है, बाकी ठीक है जानकारी मिली बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जाना सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार में जितना भी योजनाएं चल रही है वो सारा भी है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बाकी हम लोग को तो वैसे वहाँ महादेव घाट जा रहे थे, फालतू का प्लान था हम लोग के लिए, अच्छा हुआ इधर आ गए, कुछ जानकारी मिला सीखने को मिला। ऐसे अभी हम लोग घूम के आ गए, जो भी था मतलब बहुत अच्छा था, सीखने को भी मिला है। अभी जाएंगे कहीं चौपाटी जाएंगे, कुछ छोटा मोटा कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। बहुत दिनों के बाद दोस्त यार के साथ मिले और हम लोग घूमे फिरे रायपुर शहर में। बाकी इस तरफ महादेव घाट जाने का कोशिश किए थे लेकिन उधर मज़ा नहीं आया, तो हम लोग रिटर्न आए पर अच्छे जगह चले गए थे। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाइएगा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।